गुड इवनिंग हां जी ऑडियो वीडियो क्लियर बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर चलो प्रॉब्लम नंबर सिक्सथ सॉरी प्रॉब्लम नंबर सिक्स कल अपना होमवर्क था चलो क्या दिया है मैसर्स ए लिमिटेड रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी लॉ परचेस टेन कार फॉर फोर्टी लैक फोर्टी फाइव लैख प्लस ट्वेंटी एट परसेंट जीएसटी मैसर्स ए लिमिटेड सोल्ड एट कार फॉर फिफ्टी फाइव लैख प्लस जीएसटी ट्वेंटी एट परसेंट फाइंड जीएसटी लाइबिलिटी इन द फॉलोइंग टू इंडिपेंडेंट केसेस पहले केस में डीलर मानेंगे और दूसरे केस में अ डीलर पहले केस में क्या है डीलर और दूसरे केस में क्या है अ डीलर चलो प्रॉब्लम नंबर सिक्स सॉल्यूशन सिक्स सॉल्व करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा क्या कैलकुलेट कर रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट जीएसटी पहला कॉलम पर्टिकुलर फिर फर्स्ट इसमें मिस्टर ए डीलर और मिस्टर ए डीलर क्लियर क्वेश्चन को मैं दो एंगल से ले रहा हूं फर्स्ट केस में मान रहा हूं मिस्टर ए डीलर है और सेकेंड केस में यह मान रहा हूं कि डीलर नहीं है सबसे फर्स्ट जीएसटी ऑन सप्लाई ऑफ कार कितनी कार सेल की है उसने वापस समझना कितनी कार सेल की है जल्दी बोलो क्वेश्चन में से ढूंढ के आप ये बताओ कितनी कार सेल की है फिफ्टी फाइव लाख तो फिफ्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड क्या आ गया टैक्स आ गया माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट अब कितना जीएसटी उसने पे किया था सर कितना जीएसटी उसने पे किया था फोर्टी फाइव पे ट्वेंटी एट परसेंट फोर्टी फाइव पे ट्वेंटी एट परसेंट ट्वेल्व लैख सिक्सटी थाउजेंड यहां क्या आ जाएगा नेट जीएसटी कितना टू लैख एट्टी थाउजेंड अब क्वेश्चन का सेकंड एंगल देखो मिस्टर ए डीलर नहीं है पर टैक्स तो उतना ही कलेक्ट होगा कितना फिफ्टीन लैख फोर्टी थाउजेंड क्या आईटीसी मिलेगा सर आईटीसी लाउड यहां उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 15 लाख 40,000 यहां उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 15 लाख 40,000 यहां उसको टैक्स कितना पे करना पड़ेगा 15 लाख 40,000 क्लियर प्रॉब्लम नंबर सिक्स में कोई क्वेरी फर्स्ट केस में क्रेडिट मिल रहा है सेकंड केस में क्रेडिट नहीं मिल रहा है फर्स्ट केस में क्रेडिट क्यों मिल रहा है क्योंकि वो कार डीलर है और सेकंड केस में क्रेडिट इसलिए नहीं मिल रहा है वो कार डीलर नहीं है डन चलो इसके बाद ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए थे चलो नाइनटीन में कोई क्वेरी प्रॉब्लम नंबर नाइनटीन में कोई भी क्वेरी इसके बाद 20 हो गया था 19 के बाद देखो 20 19 के बाद 20 चलो 21 ट्वेंटी वन जेकेल लिमिटेड रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चर इज एंगेज इन टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड फॉलोइंग गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट डिटरमाइन अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल बाई गिविंग नेसेसरी एक्सप्लेनेशन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस आइटम डेस्कटॉप यूज इन ऑफिस विद इन फैक्ट्री क्रेडिट मिलेगा बिल्कुल क्रेडिट अपन क्लेम कर सकते हैं ट्रैक्टर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ये भी क्या रहेगा अलाउड कैपिटल गुड्स काई के लिए यूज हुए पर्सनल पर्पज हमने क्या पढ़ा था गुड्स काई के लिए यूज होना चाहिए इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नॉट अलाउड पंप ऑप्टेन फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड बाई जेके एल लिमिटेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बिल्कुल क्रेडिट मिल जाएगा क्लियर आरसीएम का केस है ये गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग गुड्स यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग नॉट अलाउड कैपिटल गुड्स यूज एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग आउटवर्ड सप्लाई टू एसीजेड यूनिट एसीजेड यूनिट और एक्सपोर्ट अगर कर रहे हैं तो वहां पर भी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं चलो टोटल आईटीसी अवेलेबल थर्टी सिक्स थाउजेंड टू लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड कितना क्रेडिट मिल जाएगा टू लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड टू लैख नाइन्टी थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड बोलो 21 में कोई डाउट प्रॉब्लम नंबर 21 में कोई भी डाउट चलो 20 डिटरमाइन अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिशेबल टू जेके लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग गुड्स प्रोक्योर्ड बाय इट द मंथ ऑफ अप्रैल चलो फर्स्ट ऑफिस बिल्डिंग क्रेडिट नॉट अलाउड पैकिंग मटेरियल अलाउड गुड्स डिस्ट्रॉयड नॉट अलाउड गुड्स यूज फॉर रिपेयरिंग ऑफिस बिल्डिंग रेवेन्यू इन नेचर अगर रिपेयर का खर्चा ऑफिस बिल्डिंग से रिलेटेड है और रेवेन्यू इन नेचर है तो उस पर भी क्रेडिट अलाउड रहेगा पेपर फॉर फोटो कॉपिंग मशीन यूज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बिल्कुल मिलेगा गुड्स गिवन एज गिफ्ट नॉट अलाउड कंसिडरेशन नहीं रहता इनपुट यूज फॉर टेस्ट फॉर क्वालिटी चेक इस पर भी आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो ट्वेंटी एट एट हंड्रेड प्लस सिक्स थाउजेंड कितना जाएगा थर्टी फोर थाउजेंड फाइव फिफ्टी कितना जाएगा क्रेडिट थर्टी फोर थाउजेंड फाइव फिफ्टी डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ आई टी सी एडमिसबल टू जेड लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम प्रोक्योर्ड देम इन द मंथ ऑफ डिसंबर गुड्स अप्लाइड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन मतलब फैक्ट्री में ही गुड्स कंज्यूम हो गए क्रेडिट अलाउड गुड्स परचेज फ्रॉम बींग यूज इन रिपेयरिंग ऑफ द फैक्ट्री शेड एंड सेम आर कैपिटलाइज इन बुक्स नॉट अलाउड अगर रिपेयरिंग का खर्चा है और पी एंडल में डेबिट कर देते देन इट इज अलाउड वापस सुनना. रिपेयरिंग का खर्चा बिल्डिंग से रिलेटेड और उसे अगर में कर देते तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा प्लांट एंड मशीनरी के लिए किया है अलाउड अगर लिख देते यहां पे बिल्डिंग नॉट अलाउड एज क्रेडिट टेलीकम्युनिकेशन टावर नॉट अलाउड एज क्रेडिट इनपुट यूज इन ट्रायल रन Allowed. Food and beverages purchased for employee during office hours. Not allowed. इनपुट टैक्स क्रेडिट अलाउड थर्टी एट थाउजेंड थ्री सिक्सटी थर्टी एट थाउजेंड थ्री सिक्सटी कितना क्रेडिट जाएगा थर्टी एट थाउजेंड थ्री सिक्सटी चलो ट्वेंटी फोर डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू कल्याण लिमिटेड इन रेस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस प्रोक्योर्ड मंथ ऑफ अप्रैल 2020 सबसे फर्स्ट क्या दिया है मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन हैविंग अप्रूव्ड कैपेसिटी ऑफ पर्सन इंक्लूडिंग ड्राइवर भाई नहीं मिलेगा सिटिंग कैपेसिटी आज के डेट में रेलिवेंट है कि इरेवेंट सिटिंग कैपेसिटी आज के डेट में रेलिवेंट है कि इेलिवेंट और कितनी होना चाहिए सिटिंग कैपेसिटी सीटिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए नॉट मोर देन थर्टीन और सेकेंड वाले में क्रेडिट मिल जाएगा मोटर लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलाउड इसके बाद देखो क्या है फूड एंड बेवरेजेस फ्रॉम स्वीट कैटर फॉर बींग यूज इन डीलर्स मीट नॉट अलाउड सर्विसेज ऑफ रिपेयर एंड जनरल इंश्योरेंस ऑफ मोटर लॉरी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इसका क्या रहेगा अलाउड सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस ऑफ मोटर व्हीकल नहीं मिलेगा क्योंकि मेन मोटर व्हीकल का क्रेडिट नहीं मिला है ITC वन लैख फोर्टी थाउजेंड टू एट्टी फाइव टेन थाउजेंड कितना क्रेडिट आएगा फाइव लाख टेन थाउजेंड 25th Compute Input Tax Credit available with Technomasters Limited, manufacturer of bike in respect of following services availed by it in the month of October. Subsequently, accounting and auditing services. Credit. Allowed. Next, echo. health insurance services for employee. Services are not provided under government obligation. Not allowed. Routine maintenance of card manufactured by Technomasters. Allowed. रिपेयर ऑफ ऑफिस बिल्डिंग कॉस्ट डेबिटेड टू पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट मिलेगा होस्टल एकोमोडेशन इन कन्वियंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉय ऑन वेकेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा टेस्टिंग सर्विसेस अवेल्ड फॉर कार इंजिन अलाउड 48,600. 48,600. 26. ABC Limited engaged in supplying of taxable goods has availed following services in the month of August. Calculate amount of ITC admissible on such input service. Sales promotion. नेक्स्ट क्या दिया है हेल्थ केयर सर्विसेज थर्ड कैब सर्विसेज गवर्नमेंट नोटिफाइड मार्केट रिसर्च सर मार्केट रिसर्च भी क्या है अलाउड क्वालिटी कंट्रोल वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग Input tax credit sixteen two hundred four thousand five hundred. फोर एट सेवन एट जीरो कितना आ जाएगा फोर एट सेवन एट जीरो चलो ट्वेंटी सेवन अंकुश पेंट लिमिटेड इज एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ पेंट एंड वार्निश इट प्रोक्योर्ड फॉलोइंग आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी मशीन टू बी यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेंट्स क्रेडिट अलाउड टेम्पो यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा रॉ मटेरियल अलाउड स्नैक्स मैंने आपको पहले बताया था खाने ची, पीने की चीजों के ऊपर क्रेडिट एप्लीकेबल नहीं है तो सर टोटल आईटीसी, टोटल आईटीसी टेन लाख फोर्टीन लाख यस कितना ट्वेंटी सिक्स लैक्स कितना आ जाएगा ट्वेंटी सिक्स लैक्स चलो ट्वेंटी एट पहले आप सॉल्व करो फिर मैं बताता हूं प्रॉब्लम नंबर ट्वेंटी एट 28. ABC लिमिटेड a manufacturer इज is इन सप्लाई ऑफ of गुड्स goods, has purchased 10,000 kg of ऑफ इनपुट फॉर one lakh, exclusive एक्सक्लूसिव ऑफ six percent, SGST six percent, on which ITC has been taken. टेकन पहले समझना ABC लिमिटेड ने कुछ गुड्स purchase किए थे उस पे उन्होंने क्रेडिट ले लिया कितने का क्रेडिट ले लिया ध्यान देना ITC अवेल्ड सीजीएसटी और एसजीएसटी सीजीएसटी कितना सिक्सटी थाउजेंड एसजीएसटी सिक्सटी थाउजेंड क्लियर यहां तक सीजीएसटी का क्रेडिट कितना ले लिया सिक्सटी थाउजेंड और एसजीएसटी का क्रेडिट कितना ले लिया सिक्सटी थाउजेंड ड्यू टू चेंजेस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेट इनपुट बिकम ऑब्सोलेट एंड देयर वैल्यू हैज बीन राइट ऑफ इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स किसी रीजन की वजह से वो जो गुड्स बने थे अब वो ऑप्शलिट हो गया और उनको राइट ऑफ कर दिया गया मतलब अब वो फर्दर सेल नहीं हो सकते जब सेल नहीं होंगे तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होगा जब सेल नहीं होंगे वो गुड्स तो आउटपुट टैक्स कलेक्ट नहीं होगा पर आप क्रेडिट ले चुके हो तो आपको क्या करना पड़ेगा वापस पे करना पड़ेगा कितना सिक्सटी थाउजेंड सीजीएसटी और सिक्सटी थाउजेंड एसजीएसटी सिक्सटी थाउजेंड सीजीएसटी और सिक्सटी थाउजेंड क्लियर इसे हम बोलेंगे रिवर्सल क्लियर एक मिनट उठना बेटा क्वेश्चन सॉरी 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 फिगर गड़बड़ हो गया एक मिनट अब ठीक अरे कर दिया सजल चेंज क्रेडिट अलाउड क्यों वर्क कॉन्ट्रैक्टर किसको सर्विसेज दे रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्टर किसको सर्विसेज दे रहा है वर्क कॉन्ट्रैक्टर किसको सर्विसेज दे रहा है सब कॉन्ट्रैक्टर को के एल लिमिटेड इज एंगेज इन सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस इन द मंथ ऑफ सेप्टेंबर इट परचेजेस मोटर वेहीकल फॉर रुपीज थर्टी सिक्स लैख प्लस जीएसटी यू आर रिक्वायर टू एडवाइस जेके एल लिमिटेड इफ इट कैन अवेल आईटीसी यस कितना आईटीसी अवेल कर सकते हैं इतना आईटीसी है अवेल कर सकते हैं क्या चक्कर है जीरो में गड़बड़ी हो रही चलो थर्टी वन एक्स वाइज एड सॉरी जेके एल लिमिटेड कंडक्टेड इट्स गोल्डन जुबली एनुअल जनरल मीटिंग एट इट्स हेड ऑफिस इन मुंबई कैटर को मिलेगा क्रेडिट नॉट अलाउड लेकिन अगर कैटर का सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस रहता है सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस तब अपन क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं यहां पर सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है इसलिए क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस नहीं है इसलिए क्रेडिट क्लेम नहीं करेंगे क्लियर डन चलो अब जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट है चलो प्रॉब्लम नंबर थर्टी टू आर वॉज अंडर कंपोजिशन स्कीम फ्रॉम वन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी आर नाम का एक डीलर है जो क्या फॉलो कर रहा था कंपोजिशन स्कीम कब से वन सेवन ट्वेंटी ट्वेंटी अब वो क्या प्लान कर रहा है रेगुलर स्कीम में शिफ्ट कर रहा है विथ इफेक्ट फ्रॉम टेन वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू आर प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वापस समझना पहले डीलर काय में था कंपोजिशन स्कीम आज वो डीलर काय में शिफ्ट हो रहा है रेगुलर तो पहले जो उसने गुड्स परचेस किए होंगे उस पर तो क्रेडिट मिला नहीं होगा पहले जो उसने गुड्स परचेस किए होंगे उस पे तो उसने क्रेडिट क्लेम नहीं किया होगा ना लेकिन जब वो नॉर्मल इसमें शिफ्ट हो जाएगा तो उसको क्रेडिट मिल जाएगा अब कैसे क्रेडिट एडजस्ट करना है ध्यान देना वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना है टेन लैख जीएसटी कितना 1 अब मुझे एक बात बताओ क्या इस वन लाख एट्टी थाउजेंड का क्रेडिट पहले मिला होगा क्या इस वन लाख एट्टी थाउजेंड का क्रेडिट पहले मिला होगा यस और नो कैपिटल गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं क्या ये वन लाख एट्टी थाउजेंड का उसको क्रेडिट मिला होगा तो पहले क्रेडिट उड क्यों क्रेडिट नॉट अलाउड हुआ था क्यों क्रेडिट नॉट अलाउड हुआ था क्योंकि ये डीलर कौन सी स्कीम में था सर कंपोजिशन स्कीम ये डीलर कौन सी स्कीम में था कंपोजिशन स्कीम आज ये डीलर कंपोजिशन स्कीम से न्यू स्कीम में तो नहीं बोलेंगे रेगुलर स्कीम में शिफ्ट हो रहा है काय में शिफ्ट हो रहा है रेगुलर स्कीम में तो किस डेट पे शिफ्ट हो रहा है टेन वन ट्वेंटी ट्वेंटी टू डिटरमाइन हाउ मच आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स दैट इज प्लांट एंड मशीनरी आर कैन टेक वेन ही हैज शिफ्टेड फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू रेगुलर स्कीम कंपोजिशन स्कीम से काय में शिफ्ट हो रहा है रेगुलर स्कीम जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले जो मैं बता रहा हूं फॉर्मेट वो ध्यान देना टैक्स पेड ऑन प्लांट एंड मशीनरी कितना टैक्स पे किया उसने वन लैख एट्टी थाउजेंड सेकेंड सर क्या निकालना है टाइम गैप क्लियर डेट ऑफ परचेज परचेज काय में किया था कंपोजिशन स्कीम और फिर दूसरा शिफ्टिंग टू रेगुलर स्कीम बोलो डेट ऑफ परचेज क्या है डेट ऑफ परचेज जल्दी डेट ऑफ परचेज वन 2020 नॉर्मल स्कीम में 10 वन ट्वेंटी टू कितना हो जाएगा वन ईयर थ्री मंथ टेन डेज ध्यान देना वन ईयर थ्री मंथ टेन डेज वन ईयर थ्री मंथ टेन डेज बहुत इजी मेथड बता रहा हूं अब मुझे यहां पे आप बताओ क्वार्टर्स कितने हो गए बोलो टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स वेरी गुड विन कितने क्वार्टर्स हो गए टोटल सिक्स क्वार्टर्स टोटल क्वार्टर्स कितने हो गए सिक्स क्वार्टर्स सिक्स क्वार्टर्स होंगे Rate of reduction five percent per quarter, five percent per quarter. प्रतीक्षा एक साल में कितने क्वार्टर्स होंगे एक साल में कितने क्वार्टर्स होंगे यस विनय पार्ट को भी अगर रहा एक दिन दो दिन भी रहे तो उसको राउंड ऑफ कर देते हैं नेक्स्ट क्वार्टर में कंसिडर एज एन क्वार्टर इसलिए तो मैंने अलग अलग करके लिखा है एक साल में कितने क्वार्टर चार फिर थ्री मंथ इक्वल टू वन क्वार्टर वन और टेन डेज को राउंड ऑफ कर दिया तो देखो कितना आ गया फोर प्लस वन प्लस वन भाई ये इंपॉर्टेंट है, है. प्रतीक्षा ये देखो फोर प्लस वन प्लस वन अमाउंट ऑफ रिडक्शन आपने कितना जीएसटी पे किया था वन लैख एट्टी थाउजेंड इंटू थर्टी परसेंट कितना आ गया फिफ्टी फोर थाउजेंड फिफ्थ क्रेडिट अलाउड कब फ्रॉम शिफ्टिंग टू यस विनय क्रेडिट अलाउड फ्रॉम शिफ्टिंग टू रेगुलर स्कीम शिफ्टिंग टू रेगुलर स्कीम फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टोटल वन लैख एट्टी थाउजेंड माइनस फिफ्टी फोर थाउजेंड वन लैख एट्टी थाउजेंड माइनस 54,000 इनपुट टैक्स क्रेडिट इनपुट टैक्स क्रेडिट वन ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड इनपुट टैक्स क्रेडिट वन लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड आप ऐसे पॉइंट वाइज क्वेश्चन करोगे कभी भी मिस्टेक नहीं होगी आप ऐसे पांच छह पॉइंट याद रखो कि क्या क्या देखना है पहले बंदा काय में था नॉर्मल स्कीम अब काय में आ गया रेगुलर स्कीम पहले क्रेडिट नहीं मिला था अब क्रेडिट मिल जाएगा कैपिटल गुड्स के केस में कैपिटल गुड्स के केस में हम जब भी क्रेडिट लेंगे तो पूरा क्रेडिट एडजस्ट नहीं होगा उसमें से कुछ कम हो जाता है किस बेसिस पे फाइव परसेंट पर क्वार्टर किस बेसिस पे फाइव परसेंट पर क्वार्टर क्लियर फाइव परसेंट पर क्वार्टर write out clear प्रॉब्लम नंबर थर्टी टू में कोई क्वेरी चलो केस ट्वेंटी सिक्स विथ सॉल्यूशन है आपके मॉड्यूल का ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन आईसीएसआई के मॉड्यूल के हैं चलो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ध्यान देना है मिस्टर सी अक्वायर्ड अ कैपिटल एसेट ऑन 1st अप्रैल 2016 थाउजेंड सिक्सटीन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्जेम सप्लाई ओनली क्या मतलब हुआ ध्यान देना मिस्टर सी ने कैपिटल एसेट अक्वायर किया फर्स्ट अप्रैल 2016 और वो सिर्फ काय के लिए यूज होता था एक्ज सप्लाई जब वो एग्जेट सप्लाई के लिए यूज होता था तो उस उसपे क्रेडिट मिला होगा क्या यस और नो यस और नो जब वो कैपिटल एसेट सिर्फ एक्ज सप्लाई के लिए यूज होता होगा तो क्या जो एग्जेम आपने सप्लाई किए होंगे गुड्स जो एग्जेम सप्लाई थे क्या उस पर आपको क्रेडिट मिला होगा क्या उस पर आपको क्रेडिट मिला होगा आपको उस उसपे क्रेडिट नहीं मिला होगा क्यों क्योंकि जो सप्लाई था एक्ज सप्लाई था नाउ इन नवंबर 2017 थाउजेंड सेवेंटीन सप्लाई बिकम टैक्सेबल और नवंबर 2017 में ये गुड्स क्या सॉरी उसका सप्लाई क्या हो गया टैक्सेबल कॉस्ट कितना था टू लैख फिफ्टी थाउजेंड प्लस जीएसटी एटीन परसेंट हेन्स आई टीसीकेबल टू फिफ्टी टू एटीन परसेंट जो कि कितना था फोर्टी फाइव थाउजेंड ना नंबर ऑफ क्वार्टर ऑफ यूजेज यहां भी अपने को क्या निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ क्वार्टर ऑफ यूजेज दैट है अप्रैल टू थाउजेंड सिक्सटीन टू नवंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन आर सेवन क्वार्टर एक अप्रैल दो हजार सोलह से लेके नवंबर दो हजार सत्रह तक कितने क्वार्टर्स हो गए सेवन क्वार्टर्स देयर वुड बी रिडक्शन रहेगा कितना रिडक्शन रहेगा फाइव परसेंट पर क्वार्टर मतलब परसेंटेज वाइज थर्टी फाइव परसेंट आपने टोटल आईटीसी कितना क्लेम किया था फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड इन टू थर्टी फाइव परसेंट सेवेंटीन फिफ्टी तो अब आपको आईटीसी कितना मिलेगा ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू फिफ्टी नोट दिस आईटीसी वुड बी अवेलेबल फ्रॉम द डेट इमीजिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑन विच सप्लाई बिकम्स टैक्सेबल क्लियर जिस दिन से सप्लाई टैक्सेबल होगी आप क्रेडिट ले लोगे कितना क्रेडिट ले लोगे ट्वेंटी आप फोर्टी फाइव थाउजेंड के लिए एंटाइटल नहीं हो क्यों क्योंकि भाई असैट यूज भी तो हो गया आज की प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आपको क्रेडिट कितना मिलेगा ट्वेंटी नाइन थाउजेंड टू फिफ्टी किस बेसिस पे कम किया क्वार्टर के यूज के बेसिस पे फाइव परसेंट पर क्वार्टर रूल फोर्टी टू ऑफ जीएसटी रूल्स टू थाउजेंड सेवेंटीन स्टेट दैट

Clear? ट्वेंटी सिक्स इस टाइप के ही क्वेश्चंस मिलेंगे सर आपको एग्जाम में चलो ट्वेंटी सेवन कंप्लीट करो एक बार ट्वेंटी सेवन आप चेक करो फिर मैं आपको ट्वेंटी सेवन भी एक्सप्लेन कर रहा हूं चलो देखो ट्वेंटी सेवन क्या है एक्स लिमिटेड परचेज मशीन ऑफ रुपीज वन लैक वन एट टू थाउजेंड सेवेंटीन और उसमें ट्वेल्व परसेंट क्या पे कर दिया जीएसटी तो जीएसटी कितना चला गया होगा ट्वेल्व थाउजेंड और उसने तुरंत क्या ले लिया आई टी सी एंड यूज द कैपिटल गुड्स इन इज बिजनेस अब एक बात बताओ कैपिटल गुड्स क्या एक साल में राइट ऑफ हो जाते हैं मिनिमम पांच साल तो चलेंगे ना कैपिटल गुड्स मतलब आपने एक लाख के गुड्स परचेज किए कैपिटल बारह हजार उस पर जीएसटी पे किया और ट्वेल्व थाउजेंड का आपने क्या ले लिया क्रेडिट ऑन फाइव डेज भी एक्स्ट्रा होंगे तो कवर कवर हो जाएगा ऑन फाइव इलेवन टू थाउजेंड एटीन ही रिसोल्ड रचित अब देखो यार मेरे इधर से तो सब सही है फाइव इलेवन टू थाउजेंड एटीन ही रिसोल्ड एस सेकेंड हैंड फॉर सिक्स थाउजेंड फाइंड आउट अमाउंट ऑफ टैक्स पेएबल आई टीसीबल इन अबव केस भाई अब यहां पे समझ ना आपने कैपिटल गुड्स परचेस किए लाख के थाउजेंड उस पर जीएसटी पे किया और तुरंत ट्वेल्व थाउजेंड का क्या ले लिया क्रेडिट और थोड़े दिन में क्रेडिट लेने के बाद उसको क्या कर दिया सेल तो लॉ बोलता है ऐसे केसेस में आपने जितना भी क्रेडिट लिया है वो क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा क्या करना पड़ेगा रिवर्स हो जाएगा समझना आपने इनपुट टैक्स कितना पे किया था ट्वेल्व थाउजेंड यहां से वापस अपन क्या करेंगे फाइव परसेंट पर क्वार्टर ऑफ यूजेज चलो कितना बोलो कितना क्वार्टर हुआ नंबर ऑफ क्वार्टर बोलो 18 एट टू थाउजेंड सेवेंटीन से फाइव अलेवन टू थाउजेंड एटीन तक क्वार्टर बोलो छर्टी सिक्स हंड्रेड माइनस करके आपका नेट आईटीसी अवेलेबल कितना आ गया एटीन थाउजेंड क्लियर यहां पे आपने कैपिटल गुड्स परचेस किए क्रेडिट ले लिया और यही कैपिटल गुड्स को सेल किया तो जो सेल कर रहे हो आप वो कितने में सेल कर रहे हो सिक्सटी फाइव थाउजेंड कैपिटल गुड्स को जो सेल किया वो कितने में सेल कर रहे हो 65,000 इस 65,000 की वैल्यू को क्या बोलेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू इस 65,000 की वैल्यू को क्या बोलेंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू इस पे जीएसटी कितना आएगा 7,800 थाउजेंड एट हंड्रेड परसेंट सेवन क्लियर तो अब ध्यान देना नेट आईटीसी कितना मिल रहा है अवेलेबल 8,400 और दूसरा टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू 7,800 ये 7,800 आप कलेक्ट कर रहे हो ये दोनों फंडे क्लियर है सिक्स क्वार्टर है दिस थर्टी परसेंट वुड बी रिडक्शन फॉर यूजेज टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू वुड बी कंप्यूटेड एंड कंपेयर टू नेट आईटीसी किस किस के बीच में कंपेयर करेंगे नेट आईटीसी को कंपेयर करेंगे और टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू याद रखना नेट आईटीसी को कवर करेंगे और टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन वैल्यू को कवर करेंगे हायर ऑफ द टू वुड बी पेबल फॉर डिस्पोजल ऑफ कैपिटल गुड्स जो भी ज्यादा रहेगा वो आपको पे करना है तो कितना पे करना पड़ेगा एट थाउजेंड एट थाउजेंड फोर हंड्रेड इफ सप्लाई इज स्टेट इट शुड बी पेबल इन टू इक्वल पार्ट फोर थाउजेंड टू हंड्रेड टू सेंटर एंड कंसर्न स्टेट दैट इज सीजीएसटी एस जी एस टी और इंटर स्टेट सप्लाई है तो आईजीएसटी और इनवाइस इश्यू करना पड़ेगा रेसिपियंट को विद डिटेल्स ऑफ टैक्स अमाउंट एक बार पूरा आप देखो फिर बता रहा हूं Clear. चलो अगर ये क्लियर हो गया तो प्रॉब्लम नंबर थर्टी थ्री का मुझे आंसर निकाल के बताओ प्रॉब्लम नंबर थर्टी थ्री का आंसर सेम केस है विनय बताता हूँ बेटा तो मेरी बेटा हेल्थ का बहुत इशू चल रहा है इसलिए ज़्यादा भी नहीं ले पा रहा हूँ मैं 33 सॉल्व करके आंसर बोलिए टू लैख सेवेंटी थाउजेंड टू लैख सेवेंटी थाउजेंड का क्रेडिट मिलेगा सॉरी टू लैख सेवेंटी थाउजेंड पे करना है दो चीजों पे। एक निकला होगा आपका देखो टू लैख सिक्सटीन थाउजेंड और दूसरा टू लैख सेवेंटी थाउजेंड विच एवर इज हायर नंबर ऑफ क्वार्टर्स बोलो नंबर ऑफ क्वार्टर्स फाइव नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने रहेंगे फाइव नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने फाइव डन क्लियर चलो कल देखो क्या क्या रीड करके आना है फर्स्ट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जॉब वर्क और कंपोजिशन स्कीम इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जॉब वर्क और कंपोजिशन स्कीम कल भी टाइम 4:30 रहेगा सैटरडे तक 4:30 रहेगा और फिर मोस्ट प्रॉब्लम में संडे से या मंडे से टाइम भी बढ़ा दूंगा और मॉर्निंग में दो टाइम कर दूंगा तो आपका मैं पूरा कंप्लीट करा के दूंगा जीएसटी क्लियर ये रीड करके आना है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर तो इसका एक क्वेश्चन करा दूंगा जॉब वर्क का एक चार्ट बनवा दूंगा तो जॉब वर्क पूरा क्लियर हो जाएगा और कंपोजिशन स्कीम पूरा रीड करके आना कल सेम टाइम 4:30 प्रतीक्षा बेटा मोस्ट प्रॉब्लम कल से मैं ग्रुप पे डाल दूंगा मैसेज कल से कंफर्म रहेगा सब बता दूंगा मैं डाल दूंगा अभी